हरे कृष्ण राधे राधे। ज्येष्ठ अमावस्या आ रही है, इसी दिन वट सावित्री व्रत की पूजा करी जाती है, शनि जयंती मनाई जाती है। तो आज इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत में कही सुने जाने वाली सावित्री और यमराज की कथा को सुनेंगे। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने, इसकी पूजा करने, इसकी कथा सुनने से साधक के वैवाहिक जीवन और जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया हो तो वो टल जाता है, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, जीवन में शांति आती है। अब प्रेम से, मन से, भाव से कथा सुनेंगे। कथा सुनते हुए हाथ में चने, पैसे और अगर आपके पास फूल हो तो फूल लें। पहले एक जयकारा बोलो, सावित्री मैया की जय, सत्यवान की जय, यमराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अशुपति था। भद्र देश के राजा अशुपति के कोई भी संतान नहीं थी। उनको संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ रोज 1,00,000 आहुतियां देकर 18 सालों तक वो ऐसा करते रहे। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया और राजन और कहा कि राजन तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण ही कन्या का नाम सावित्री रखा गया। राजा ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कन्या की कुंडली दिखाई। पंडित बोले, राजन आपकी कन्या महान गुणों वाली है, रूपवान, तेजस्वी और परम साध्वी होगी, पर 12 वर्ष की आयु में ये विधवा हो जाएगी। ये सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और पंडितों से कहने लगा कि महाराज कुछ उपाय बताओ। पंडितों ने कहा कि होनी को कौन डाल सकता है, पर आप कन्या से पार्वती जी और बड़ सैयद की पूजा करवाएं। कन्या धीरे धीरे बड़े होने लगी। वो बहुत सुंदर, बहुत रूपवान थी। योग्य वर ना मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्युमसेन रहते थे। वो वन में थे क्योंकि शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उसे पति के रूप में चुन लिया। ऋषि राज नारद जी को जब ये बात पता चली तो वो राजा अशुपति के पास पहुंचे और कहने लगे कि राजन ये क्या हो रहा है, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वो अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अशुपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वो अल्पायु है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अशुपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंची। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, वो उनकी मन से बहुत सेवा करते। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट के लाता और इस तरह उनकी गृहस्थी अच्छी चल रही थी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु का दिन बता दिया था। वो दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था सावित्री अधीर हो रही थी। उसने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा बताई हुई तिथि पर सुबह उसने सबसे पहले पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहा था तो सावित्री ने अपने पति से बोला कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उनके पति सत्यवान बोले कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो माता पिता यहाँ अकेले रह जाएंगे, अगर वो कहेंगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। सावित्री अपने सास ससुर के पास गई और बड़े ही प्रेम भाव से बोली कि अगर आप आज्ञा दे तो आज मैं जंगल में देखने के लिए चली जाऊं। दोनों सावित्री की सेवा से बहुत ज्यादा खुश थे। सावित्री से बोले, बहुत अच्छी बात है, जब चली जा। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के एक पेड़ पे चढ़ गया। तभी उसके सर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से बहुत ज्यादा व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ ही गई थी। सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ पर एक सांप रहता था, उसने सत्यवान को डस लिया। वो अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। तभी उसने देखा महादेव और पार्वती जी वहां से जा रहे हैं। वो उनके पैरों पे गिर पड़ी और बोले, मेरे पति को जिंदा कर दो। वो बोले, आज बड़ सैयद अमावस्या है तो उसकी पूजा कर तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। वो खूब प्रेम और भाव से बड़ की पूजा करने लगी। उसने बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने जो हीरे मोती के बन गए। तभी उसने देखा वहां यमराज आ रहे हैं। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोले, तेरी निष्ठा से मैं बहुत खुश हूँ, पति के प्राणों के अलावा तू कुछ भी मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वो पुत्रवान हो जाए। धर्मराज बोले, सत्य वचन हो जाएगा।
धर्मराज आगे चलने लगे, सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। धर्मराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की और यही विधि का विधान है ये बताया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और प्रति परायण प्रेम को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें अब दिव्य ज्योति दे। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति के सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना ही मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वरदान मांगने के कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः राज्य वापस दिलवा दो। यमराज ने सावित्री को वरदान दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती ही रही चलती रही। यमराज ने कहा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्र हो जाए। धनराज बोले, तथास्तु। फिर वो सत्यवान को लेकर जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ही ले जाएंगे तो पुत्र कैसे होंगे? धर्मराज मुस्कुराने लगे और बोले, तेरा सुहाग तो था नहीं, पर बड़ सैयद अमावस्या करने से और पार्वती जी की और शिव जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। यमराज को सत्यवान के प्राण वापस छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। उसी समय सत्यवान जीवित हो गया और उठकर बैठ गया। अब सावित्री बुने गाजे बाजे से सखी सहेलियों के साथ वट की पूजा करी और वट के पत्तों के गहने बनाकर पहने तो वो सभी हीरे मोती के हो गए। दोनों खुशी खुशी घर वापस आ गए। सावित्री ने वट पूजा का पानी सास ससुर की आंखों पे लगाया तो सास ससुर की आंखें ठीक हो गई। सावित्री ने सारी घटना पति और सास ससुर को बताई। सभी खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। शत्रुओं ने क्षमा मांगकर राज्य वापस कर दिया। सत्यवान का राज्य अभिषेक हुआ। सत्यवान ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। तभी से वटवृक्ष पूजा जाने लगा। सत्यवान ने सारे नगर में घोषणा करवा दी कि सभी ज्येष्ठ मास के अमावस्या पे बड़ की पूजा करें, बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने। इसके बाद सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। हे यमराज सहित सभी देवी देवता, भगवान विष्णु शिव और ब्रह्मा जी से प्रार्थना है कि इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी स्त्रियों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जैसे बड़ सैयद अमावस्या ने सावित्री को अमर सुहाग दिया, उसी प्रकार हम सबको भी देना। जैसे सावित्री की निष्ठा से इसका ससुराल और पियर दोनों फल फूल गए, ऐसे ही हमारा घर परिवार पियर सासरा सब फल फूले और सभी खुशी रहे, हमें सौभाग्य का वर देना। सत्यवान और सावित्री की जय, यमराज की जय, शिव पार्वती की जय। सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनने के बाद हम गणेश जी महाराज की कहानी कहेंगे। किसी गांव में एक बुढ़िया अम्मा थी। वो बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा और एक बहू थे। वो बुढ़िया गणेश जी महाराज की परम भक्ति, सदा गणेश जी की पूजा किया करती थी, उनका नाम लेती रहती थी। एक दिन गणेश जी महाराज उस बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए और उससे बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति और पूजा से प्रसन्न हूं, तू जो चाहे मुझसे वर मांग ले। बुढ़िया बोली, क्या मांगू, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। अब तब गणेश जी बोले, ठीक है, तू अपने बेटे बहू से पूछ के कल मांग लेना, मैं कल फिर आऊंगा। अब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कह के गए हैं तो कुछ भी मांग ले, बता मैं क्या मांगू। तो बेटा बोला, मांग तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, अपने लिए पोता मांग लो। पति से पूछा तो उसने कहा कि मैं बीमार रहता हूँ, मेरी स्वास्थ्य मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये सभी तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों पोता मांगे, तू तो अपने लिए दीदा गोडा मतलब अपने आंखों की रोशनी और पैरों की शक्ति मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से आगे कट जाएगी। अब बुढ़िया माई सोचने लगी। अगले दिन हो गया, पूजा करने लगी तो फिर से गणेश जी महाराज प्रकट हुए। तो बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती दो, पोते दो, सब परिवार का सुख दो और अंत में मोक्ष दो। अब ये सुनकर गणेश जी महाराज हंसने लगे और बोले, बुढ़िया माँ, तुझे तो मांगना नहीं आता था और अब तो तूने मुझे ठग ही लिया है, पर मेरे वचन के अनुसार तुझे सब मिलेगा। और ये कह के गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया अम्मा ने जो कुछ भी मांगा था उन्हें सब मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया अम्मा को सब कुछ दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, शिव पार्वती की जय, बड़ सैयद अमावस्या की जय, सत्यवान और सावित्री की जय। ओम नमो नारायणाय नमः।
प्लीज इस वीडियो को, इस कहानी को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने लोग इस कहानी को सुनते हैं उन सभी को बहुत उत्तम फल मिलता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।